हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दुर्गास रेसिपीज़ में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इटालियन पिज़्ज़ा रेसिपी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा इंडियन टच भी दिया है। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा के लिए डो तैयार कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी गेहूँ काटा लिए है, इसे छन्नी में ऐड कर देती हूँ और एक कटोरी मैदा इसमें ऐड कर देती हूँ, इसे छान कर ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 5 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच इसमें ऐड करूंगी, स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें ऐड करेंगे दही, 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें दही ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। मैंने इसमें ईस्ट ऐड नहीं किए हैं। आपको अगर दही के बजाय ईस्ट ऐड करने हैं तो फिर 1 चम्मच ईस्ट पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर ले लिए हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर ले लेंगे। अब इसे ढक के रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। तो पिज्जा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, यानी ग्रीन शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च और कॉर्न ऑनियन, थोड़े से पनीर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और थोड़े से कॉर्न भी लिए हैं। और मैंने इसमें येलो शिमला मिर्च ऐड नहीं किए हैं क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। आप चाहे तो इसमें येलो शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा सॉस रेडी कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आधी कटोरी मैंने मेयोनीज ली है, 4 चम्मच मैंने इसमें सेजवान चटनी ऐड किए है, 3 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस इसमें ऐड किए है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा मिक्स हर्ब्स, यानी तकरीबन 1 चम्मच इसमें ऐड किए है और इसे अच्छे से मिक्स कर ले लेंगे। जब भी आपको अगर पिज़्ज़ा बनाने हो तब अगर सॉस नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, तो आप इस तरह से सॉस इंस्टेंट रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अब रेडी है। पिज़्ज़ा बेस के लिए मैंने डो तैयार कर आधा घंटे के लिए ढक के रख दिए थे। तो आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो तैयार हो चुका है पिज़्ज़ा बेस के लिए। और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस पर 5 लोई बनाकर ले लेंगे पिज़्ज़ा बेस के लिए। और सभी 5 लोई मैंने, यानी दो ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं बनाने, इस तरह से सभी एक जैसे ही लोई रेडी कर लेना है पिज़्ज़ा बेस के लिए। ये देखिए मैंने जिस तरह रेडी कर ले लिए है उसी तरह से रेडी कर लेना है। और ये 5 लोई रेडी है, उसमें से 4 लोई में साइड में रखकर 1 लोई लेकर उस पर सूखा आटा डालकर हाथों से इसे बेस बनाकर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे बेलन से बेल सकते हैं, तो मैं इसे हाथों से यानी उंगली के माध्यम से इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर इसे बेस रेडी कर ले लिए है। अब बेस रेडी है और एक आधे हिस्से पर इस पर स्प्रेड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिए थे ऑनियन, रेड शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और इसमें ऐड करेंगे बेबी कॉर्न, कॉर्न पनीर इसमें ऐड किए हैं। तो स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद इसमें ऐड किए हैं पिज़्ज़ा मिक्स हर्ब। उसके बाद इसमें ऐड किए हैं चीज़ वाला पिज़्ज़ा, मैंने इसमें खिसकर ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड नहीं किए। उसके बाद जो आधा हिस्सा होता है उस पर मोड़ दिए हैं, यानी इस पर ढक दिए हैं। उसके बाद जो कोनों होता है वो भी इसे इस तरह मोड़ देंगे, यानी करंजी वाला जो हम शेप देते हैं, करंजी बनाते हैं, उस तरह से शेप दिए हैं। ये देखिए इस तरह। अब इसे बेकिंग ट्रे में रखकर हल्का हल्का सा नाइफ से हल्का सा कट करेंगे ऊपर से थोड़ा सा।
ये देखिए इस तरह से हल्का सा कट करेंगे। अब ओटीजी में रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए से बेक करेंगे। तो खाने के लिए पिज्जा रेडी हो चुका है। ये देखिए अब इसे ओटीजी से हटाकर खाने के लिए गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो इसकी रेसिपी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किए हैं। अगर आपके पास यानी ओटीजी नहीं हो या ओवन नहीं हो तो आप इसे प्लेट में रखकर कढ़ाई में रखकर 45 मिनट तक इसे धीमी आंच पर पका कर ले लीजिएगा तो रेडी हो जाएगी पिज्ज़ा। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।